हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे और इस ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आफ्टर दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली विंड्स के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विंड के बारे में, देखेंगे विंड से क्या कुछ होते हैं, कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, ऑल दैट, बहुत सारी चीजें। तो लेट्स स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑफ अस ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। विंड पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो विंड पैटर्न इज बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन क्या, पहले तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग। द फर्स्ट थिंग हियर इज, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अर्थ का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेना है। तो हमें पता है कि ये डोल्ड्रम का इलाका हो गया जहां पर लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर के बाद से फिर हमारा एक हाई प्रेशर एरिया आता है, फिर लो प्रेशर एरिया और फिर अल्टीमेटली हाई प्रेशर एरिया आ जाता है, जिसको हम लोग पोलर एरिया बोलते हैं। तो दीज आर द पोलर एरिया, इस इलाके को हम लोग सब पोलर एरिया बोलते हैं। सिमिलरली ये हमारा इक्वेटोरियल एरिया हो जाता है, और इस इक्वेटोरियल एरिया और इन दोनों के बीच में, यहां पर देखिए थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, यहां पर आ जाती है सब ट्रॉपिकल। तो ये बेसिकली हमारे पास 7 बेल्ट हो जाते हैं प्रेशर के। इस 7 बेल्ट के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि ये लो प्रेशर थी, ये हाई प्रेशर थी, लो प्रेशर थी और हाई प्रेशर थी, और यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से विंड ब्लो कर रही होती है। तो इस तरीके से लैटिट्यूडिनल वेरिएशन की वजह से हमें एटमॉस्फेरिक हीटिंग डिफरेंट टाइप की प्राप्त होती है, और इस तरीके से यहां पर जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, और इस वजह से जो विंड का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला हुआ रूप रहता है। इसके अलावा प्रेशर बेल्ट, ये तो हम लोगों ने देख लिया, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का भी इफेक्ट देखना पड़ता है। अब ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, ये बेसिकली कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, और दूसरा मैरीटाइम इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैरीटाइम इफेक्ट जहां पर ओशन का इफेक्ट हमें लैंड पे देखने को मिलता है, और कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट का मतलब हमें लैंड पर प्रेशर के रूप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होती है माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट फॉलोइंग अपेरेंटली ऑफ द सन। तो इस तरीके से हमें क्या होती है कि जो सन की हमारी मूवमेंट है, जो हमारी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन अकॉर्डिंगली मूव करके कैप्रिकॉन तक जो मूव करती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट। और इस मूवमेंट के कारण अगेन ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होती है, और प्रेशर बेल्ट के चेंज होने के कारण से विंड बेल्ट भी चेंज हो जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन, एंड दिस इज हाउ विंड पैटर्न चेंज होती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट और ओशियन अगेन यही कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट का ही बेसिस यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जनरेट होता है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। तो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के कारण से हमें विंड पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी मूवमेंट होगा वो अपने किस साइड में मूव करेगा, बताइए, लेफ्ट और राइट, इट विल मूव इन इट्स राइट डायरेक्शन। और जो भी हमारे साउथ हेमिस्फीयर रहेगा वहां पर ये लेफ्ट में मूव कर जाएगी, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेशन, जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने ओशियनोग्राफी चैप्टर में देख रखा है। इस ओशियनोग्राफी चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी इस कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को इंक्लूड करके डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट आती है, और ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा पैटर्न सिस्टम है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये हमारी इक्वेटर है। लेट मी टेक हाइलाइटर, तो ये हमारी इक्वेटर हो जाती है। इस इक्वेटर के पास में ऑब्वियसली काफी ज्यादा लो प्रेशर पाया जाता है, और इस लो प्रेशर के कारण से आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल ट्रफ और लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई है, जिसको कि हम लोग ITCZ या डोल्ड्रम बोल रहे थे। इस डोल्ड्रम के जस्ट ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड, खैर ये कुछ होती है, बात करेंगे क्या होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वार्म एयर राइज कर रही होती है, और यहां पर कूल एयर फॉल डाउन कर रही होती है। मतलब बेसिकली ये इलाका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का इलाका है, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे आगे बात करेंगे तो यहां पर हमें और मतलब फिर से विंड ऊपर उठ रही होती है, और इस तरह से यहां पर पोलर सेल के अलावा फेरल सेल, और फेरल सेल के अलावा ये हमारी
हेडली सेल तीन तरीके की सेल बन रही होती है, जिस तरीके से ऊपर है उसी तरीके से सेम साउथ हेमिस्फीयर में भी हमें देखने को मिलती है, सेम चीजें ए टू जेड। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अपने विंड सिस्टम के बारे में। तो इस विंड सिस्टम में यहां पर देखिए कई तरीके की चीजें लिखी हुई है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हैं। जरा वन बाय वन करके हम लोग खुद से डिस्कस कर लेते हैं विंड पैटर्न आखिर होता क्या है और कैसा होता है। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे पॉइंट फॉर्मेट में लेते हैं ताकि और क्लैरिटी दिखेगी। दिस इज आवर लो प्रेशर और इसके ऊपर में ये हमारा हाई प्रेशर, इसके ऊपर में ये हमारा 60 डिग्री लो प्रेशर और फिर अल्टीमेटली यहां पर हाई प्रेशर पोलर इलाका। सिमिलरली साउथ में भी देखने को मिलेगा, यहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा, दिस विल बी लो प्रेशर एंड देन अल्टीमेटली यहां पर पोलर एरिया में हाई प्रेशर हमें मिल जाएगा और इस तरीके से सेवन बेल्ट सिस्टम बन जाती है। विंड के लिए दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है, एक कंसेप्ट होता है जहां पर आपको पता ही है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इस तरीके से होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसको विंड बोला जाता है और सेकेंड जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग विंड नहीं बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग या तो वेव बोल देते हैं या फिर हम लोग इसको करंट बोलते हैं। तो इधर इट विल बी कॉल्ड एज करंट और वेव, क्लियर। तो एक कंसेप्ट तो आप लोगों ने देख लिया कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये विंड का मूवमेंट होता है। दूसरी जो चीज है डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ द विंड होती है कि विंड जहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कमिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये विंड है, तो विंड आ रही है और ये विंड जा रही है, विंड तो एक ही है लेकिन आ किधर से रही है, देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो विंड आ रही है साउथ वेस्ट से, इसलिए इस वाले विंड को हम लोग नाम दे देंगे साउथ वेस्ट विंड। सिमिलरली इस तरीके की भी विंड हो सकती है जो कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है, तो ये जो नंबर वन हो गया दिस इज नंबर टू, नंबर टू जो है वो साउथ ईस्ट विंड हो जाएंगी। मान लेते हैं इनके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और इस डायरेक्शन से अगर ये आ रही है तो अब कहां से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड, तो थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्ट विंड, क्लियर। और सिमिलरली यहां पर भी अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट विंड। अब देखिए जहां जहां साउथ वेस्ट आ रही है तो ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट आ रही है तो ईस्ट हो गई, ईस्ट आ रही है ईस्ट हो गई और अगेन वेस्ट आ रही है तो वेस्ट हो गई। हम लोग इस नॉर्थ और साउथ को हम लोग स्किप कर देते हैं और जो भी वेस्ट आ रही है उसको हम लोग बोल देते हैं वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड। सिमिलरली जो ईस्ट से आ रही होती है उसको भी नॉर्थ साउथ छोड़ करके हम लोग बोल देते हैं कि इसको भी हम लोग ईस्टर्ली विंड बोलते हैं। तो इस तरीके से ईस्टर्ली नाम और वेस्टर्ली नाम, ये दोनों नाम आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए अब जरा चलते हैं और विंड के डायरेक्शन को देखते हैं। आपको पता है पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड होती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से सीधी रेखा में विंड हमारी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड हमारी सीधी रेखा में चलेगी, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से विंड हमारी चलेगी, ठीक है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्लियर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसके बाद से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगेन, ठीक है। यहां पर ये हमारी जीरो डिग्री लाइन है, ये जरा ध्यान में रखिएगा जीरो डिग्री लाइन। इसके ऊपर में कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से, अभी मैंने कोरियोलिस नहीं लगाया है, कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से ये मूवमेंट राइट साइड में करेगा, जो भी विंड लगेगी राइट साइड में मूवमेंट, और यहां पर कोरियोलिस के हिसाब से मूवमेंट जो होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। अब जरा मूवमेंट करा देते हैं और मूवमेंट को कराने के लिए कलर को जरा चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए ये विंड सीधी सीधी है, राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड इसका क्या हुआ, इसका राइट साइड किधर हुआ, नंबर वन या नंबर टू, कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली नंबर वन, ये हमारी राइट साइड डायरेक्शन है और ये हमारी लेफ्ट डायरेक्शन है क्योंकि उल्टी है, उल्टा विंड है। तो यानी कि मूवमेंट कैसी होगी, ये अपने कोरियोलिस फोर्स, ये सेंट्रिपिटल है एक तो, और सेंट्रिपिटल होने के कारण से ये मूवमेंट हमें कुछ इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो विंड है बेसिकली मूव करके ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, समझ रहे हैं। कोरियोलिस का इफेक्ट मैंने अब लगा दिया और अपने राइटवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर गई है, क्लियर, ओके। इसी तरीके से ऊपर लगाते हैं राइटवर्ड मूवमेंट, उल्टा इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, समझ सकते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें राइटवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली राइटवर्ड मूवमेंट हमारा इस तरीके से यहां पर
हो जाएगा। क्लियर। साउथ हेमिस्फीयर में जब आएंगे तो ये कैसा है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट इस तरीके से हमें हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, हर तरफ लेफ्टवर्ड मूवमेंट आप बना दिए। सिमिलरली यहां पर लेफ्टवर्ड मूवमेंट इस टाइप डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो गया इसका लेफ्टवर्ड मूवमेंट, अगेन ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं जितने ये रेड वाले थे उनको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखे कि यहां पर केवल और केवल ये किस तरीके के विंड है, तो ये थोड़ा सा मिटाना चैलेंजिंग है, बट स्टिल चलिए खैर मिटा करके देख लेते हैं क्या चीज हो रही है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जितना मिटा उतना ठीक है, अदरवाइज बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या चीज है यहां पर। चलिए खैर, यहां पर अब मूवमेंट अगर देखेंगे तो हमारा मूवमेंट इस तरीके से आ चुका है, अगेन ये मूवमेंट इस तरीके से आ चुका है, ये मूवमेंट इधर है। चलिए खैर ठीक है। अब यहां पर जब मूवमेंट हम देख चुके हैं तो मूवमेंट के बाद अब जरा डायरेक्शन भी इसका देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। जब हम डायरेक्शन देखेंगे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पोलर एरियाज के अराउंड अराउंड में। अगर इस जोन में आएंगे तो इस जोन में विंड किस तरीके से आ रही है, विंड आ रही है इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, यानी विंड कैसी है, विंड इज अगेन देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कैसी विंड है, नॉर्थ ईस्ट विंड है, यानी कि इस इलाके के विंड को हम लोग नॉर्थ ईस्ट विंड बोलेंगे। ठीक, एक और फोटो बना लेते हैं ताकि यहां पर हम लोग डायरेक्शन का नाम लिख देंगे, ये हमारा अलग अलग डायरेक्शन हो गया है, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई है। इसके नीचे कहां से आ रही है, ये विंड आ रही है इधर से, जा रही है इधर को, यानी ये कैसी हो गई, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, यानी ये साउथ वेस्ट विंड हो गई है। अगर फिर इसके बाद से ये डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर साउथ में आएंगे तो साउथ में भी जब आप चेक करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन कैसा बन जाएगा, ये वाला डायरेक्शन बन जाएगा इधर, यानी आ रही है किधर से, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो दिस इज साउथ ईस्ट विंड। और वही साउथ जाएंगे तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट विंड मिल जाएगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और वही फिर से ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए ऊपर और नीचे में केवल और केवल नॉर्थ और साउथ का ही डिफरेंस हो रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको स्किप करते हैं और इस वाले ईस्ट विंड को बोलते हैं कि ये ईस्टर्ली है। सिमिलरली इस वाले विंड को हम लोग बोलेंगे वेस्टर्ली है। सिमिलरली यहां पर फिर से ईस्टर्ली आ गई और इस ईस्टर्ली के बाद ये भी ईस्टर्ली है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने साउथ हेमिस्फीयर में, यहां पर फिर से वेस्टर्ली है और फिर से ईस्टर्ली है, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहां पर भी ये जो विंड है जो डोल्ड्रम के जस्ट ऊपर ट्रॉपिक्स एरिया में है और ट्रॉपिक एरिया के जस्ट नीचे है, इस विंड को दोनों देख सकते हैं ईस्टर्ली ईस्टर्ली विंड है। इनको एंशियंट टाइम्स के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने नाम रख दिया था इसका ट्रेड विंड, बिकॉज दिस हेल्प्स इन ट्रेड, तो ट्रेड विंड हो जाती थी क्योंकि ये नेविगेशन में काफी सहायता करती थी और आगे बढ़ा देती थी, तो ट्रेड में काफी सहायता मिलती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया था ट्रेड विंड। और इस तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्ली और ईस्टर्ली और इन सारे सिस्टम को देख लिया। क्लियर हो गया वेस्टर्न सिस्टम मतलब ये विंड सिस्टम क्या है। अभी हम वापस से आते हैं, देखिए ये वेस्टर्ली बनी हुई है, कौन सा डायरेक्शन है, यही वाला है। इसी तरीके से यहां पर ईस्टर्ली हो जाती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जिसको कि हम लोग यहां पर हम लोग बोल रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और इसको हम लोग इसने इस तरह से नाम दे दिया हुआ था। सिमिलरली साउथ ईस्ट ट्रेड हो गई यहां पर और फिर वेस्टर्ली हो गई यहां पर। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो एक सिस्टम बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये विंड का पैटर्न किस तरीके से मूव करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है। परमानेंट विंड, एक मिनट इसको रेड ले लेते हैं। ओके, परमानेंट विंड और प्लानिटरी विंड, अब हमारे पास जरा देख लेते हैं कि विंड के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स में एक तो हम लोगों ने अभी देखा ही जो प्रेशर बेल्ट के हिसाब से हम लोगों ने विंड देखा, ये जो प्रेशर बेल्ट के हिसाब से होते हैं ये परमानेंट विंड्स या फिर प्लानिटरी विंड, प्राइमरी विंड या फिर इसी को बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड या प्लानिटरी विंड, सारे विंड यही है। ये बेसिकली दो तरीके से होती है, एक होती है जिसको हम लोग ईस्टर्ली बोलते हैं, दूसरी जिसको हम लोग वेस्टर्ली बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी जो टाइप की विंड होती है उनको बोला था सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स। इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पीरियोडिक विंड या फिर सेकेंडरी विंड, तीन दो चीजें बेसिकली यहां पर हमें देखनी है। एक होती है जो बेसिकली मॉनसूनल विंड्स होती हैं, दीज आर मॉनसूनल विंड्स। दूसरी होती है पीरियोडिक विंड जिसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है, बट फिर से एक बार और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मॉनसून विंड के बारे में जरा सुनिए। यह हमारी मान लेते हैं कि अर्थ है, ऑल्दो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का अर्थ बन गया है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। यहां पर हमारी ये
अलग अलग तरीके की हमारी लाइंस है, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये लो प्रेशर थी, ये हाई प्रेशर थी, अगेन ये हाई प्रेशर थी, और हमारा जो विंड था वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा था। लेकिन कब ये मूव कर रहा था? जब सन हमारी इक्वेटर पे है। लेकिन सन मूव करके फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है। तो जब सन मूव करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है तो होता क्या है यहां पर कि आईटी सीजन मूव कर जाती है इस तरीके से। अब जब इस तरीके से आईटी सीजन मूव कर जाएगी तो फिर होगा क्या? होगा ये कि यहां की जो ये विंड्स हैं वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देंगी। अब देखिए ये रेज हो गया, वन सेकेंड। तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देंगी और ये मूवमेंट जो लो प्रेशर का है उसके कारण से पूरा का पूरा विंड पैटर्न बदल जाएगा। विंड पैटर्न कैसा हो जाएगा देखते हैं। ऑब्वियसली ये वाली लाइन इस तरीके से, तो इसी तरीके से हाई प्रेशर लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिमिलरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और देखिए यहां तक अंदर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसे इक्वेटर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस इक्वेटर। जैसे ही कोरियोलिस का इफेक्ट आप लगाएंगे, कोरियोलिस का इफेक्ट लगाने के कारण से होगा क्या, यहां पर ये जो विंड है ये अपने लेफ्ट में मूव कर जाएगी, लेफ्ट में मूव कर जाएगी, ऊपर वाला राइट में मूव कर जाएगा, राइट में मूव कर जाएगा। तो ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो नॉर्मल है, लेकिन जो यहां साउथ में है ये लेफ्ट विंड यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर की जो विंड है जैसे ही ये क्रॉस करेंगे आप इक्वेटर वाला पार्ट, इसे तो मूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ दिखाऊं, अगर मैं, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है और ये हमारी नीचे जो है हाई प्रेशर की लाइन है। अभी तक लो प्रेशर यहां बना हुआ था, लेकिन आईटीसीजेड हमारी मूव करके कुछ इस तरीके से चली गई है। इस तरीके से चले जाने के कारण से अब ये जो ऊपर का हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से विंड को ब्लो कराएगा। सिमिलरली यहां पर भी इस तरीके से ब्लो कराएगा। अब यहां पर होगा क्या कि अब जब कोरियोलिस का इफेक्ट आप लगा देंगे तो कोरियोलिस के इफेक्ट लगने के बाद ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सिमिलरली अपने राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट एंड राइट, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां तक तो लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट चली गई, लेफ्ट चली गई और फिर से लेफ्ट चली गई। लेकिन ये जो विंड बच गई है ये किधर जाएगी? ये राइट जाएगी, यानी मूवमेंट राइट साइड में होगा। यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रही है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है कुछ इस तरीके से, और दिखाता हूं क्लियर के तरीके से। तो ये जो विंड्स हैं वो इसी तरीके से जा रही हैं, लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस कर रही हैं, ये बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये अपना डायरेक्शन बहुत तेजी से चेंज कर रही हैं। और ये जो चेंज देखने को मिल रही है दिस इज वेरी स्पेशल टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो मूवमेंट होता है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट विंड से साउथ वेस्ट विंड की ओर में चेंज हो गई है, इस तरीके के विंड को हम लोग, इस तरीके के फिनोमिना को हम लोग इंडियन मॉनसून बोलते हैं। तो ये बेसिकली मॉनसूनल विंड्स हो जाती हैं। क्यों होती हैं? समझ में आएगी आपको आईटीसीजेड के मूवमेंट के कारण से और कोरियोलिस के इफेक्ट के कारण से इस तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास आपकी इंडियन मॉनसून पे ही होगी और आप उस चीज को देख करके काफी तेजी से, काफी अच्छे समझ जाएंगे। इस इंडियन मॉनसून में हम लोग जेट स्ट्रीम वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट इतनी चीजें बताऊंगा जो बुक्स में भी आपको जनरली नहीं मिलेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक इंडियन मॉनसून और जेट स्ट्रीम का है, फिलहाल वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर यहां पर बात करें, यहां पर देखें अगर, तो देखिए यहां पर सिस्टम ये होता है कि इंडियन मॉनसून के बारे में आप लोग समझ गए। इसके आगे अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं दूसरा पैटर्न जिसको कि हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में देख रहे थे। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम लोगों ने हालांकि इसको डिस्कस भी कर लिया, बट फिर से एक बार और देख लेते हैं। सपोज दिस इज आवर लैंड एंड यहां पर हमारी ओशियन है, तो यहां पर हमें यह हमारी वाटर बॉडी हो गई। जब इंसुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा तो इंसुलेशन के कारण से जो ये लैंड है बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एम एस डेल्टा टी और इसका एस स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत कम होती है, तो बहुत तेजी से ये लो प्रेशर बन जाएगा। एज कंपेयर टू दिस प्रेशर ये हाई प्रेशर में तब्दील रहेगा
और अगेन एक विंड ब्लो कर जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ऑब्वियसली ये आ कहां से रही है, ओशियन से, तो इसमें मॉइस्चर भी आ गया विंड में। मॉइस्चर आने के कारण से जैसे ही ये यहां पर पहुंचती है, यहां पर एक केस होता है ह्यूमिडिटी का, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब आगे आने वाले सक्सेसिव क्लासेस में ह्यूमिडिटी का सिस्टम आ जाता है जिसके कारण से यहां पर रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। और इस तरीके से लैंड का जो टेम्परेचर होता है उसको मॉडरेट करने की कोशिश की जाती है, इसको बुलाता है सी ब्रीज, जहां से ये चल रही है उसको ही ब्रीज बोल देते हैं। वही अगर सपोज ठंड का मौसम हो, तो ठंड का जब मौसम हो जाएगा तो यहां पर जो लैंड अभी काफी गर्म हो रहा था वो अब काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के कारण से अगेन एमएस डेल्टा टी काफी तेजी से ये टेम्परेचर गिर जाएगा, जिसके कारण से ये ठंडा होने के कारण से हाई प्रेशर में तब्दील हो जाएगी और यहां पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर बन जाएगा। और इस कारण से अब जो विंड है वो उल्टा ब्लो करना शुरू हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करनी शुरू हो जाएगी। और यहां पर चूंकि कोई मॉइस्चर का यहां पर कोई स्रोत नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, इसलिए यहां पर कोई रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से टेम्परेचर ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस तरीके के क्लाइमेट को हम लोग मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं, जिसके कारण से ओशियन का इफेक्ट लैंड पे देखने को मिलता है, जहां पर लैंड न तो ज्यादा गर्मी फेस करता है और न ही ज्यादा ठंड फेस करता है, क्योंकि जैसे ही ज्यादा गर्म होता है रेनफॉल हो जाती है सी ब्रीज के कारण से, और जैसे ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो ये सी ब्रीज मतलब लैंड ब्रीज के माध्यम से टेम्परेचर को डाउन कर लेता है। और इस तरीके से जो ये विंड होती है इसको हम लोग पीरियोडिक विंड, सेकेंडरी विंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लगातार होती रहती है, पीरियड वाइज होती है, मतलब समय के साथ होती रहती है। एक तीसरे टाइप की विंड होती है जिसको हम लोग लोकल विंड्स बोलते हैं, और ये स्पेशल टाइम पे होती है, दिस इज वेरी स्पेशल, और इसको हम लोग देखेंगे अपने मैप मेकिंग की क्लास में। तो यहां पर आपको सारे लोकल विंड्स के बारे में बता दूंगा, बहुत सारी है, फॉन है, फिर इसके अलावा जैसे ब्लिजार्ड है, फिर बर्ग है, बहुत सारी, लू हो गई, नॉर्वेस्टर हो गई, तो बहुत सारी विंड्स आएंगी, इसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, कौन सी इसमें कोल्ड विंड है, कौन सी इसमें वार्म विंड है, किसको डॉक्टर बोलते हैं, किसको हर्मटन बोलते हैं, क्या चीज होती है, सब कुछ देखेंगे हम लोग, लेकिन मैप मेकिंग की क्लास में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी विंड आप लोगों को समझ में आई क्या क्या चीज है, इंडियन मॉनसून के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ही करेंगे, लोकल विंड के बारे में बात ही कर लिया, थोड़ा सा और प्राइमरी विंड के बारे में जरा देख लेते हैं। तो ये बेसिकली वो प्राइमरी विंड है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटोरियल हो गई और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। विंड का डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया था, यहां पर हम लोगों ने इसको हॉर्स लैटिट्यूड लास्ट क्लास से ही बात कर रहे हैं, और यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें विंड देखने को मिल रही है, यानी प्रिवेलिंग जो प्लैनेटरी विंड्स होती है, दीज आर द प्लैनेटरी विंड्स विच ब्लो एक्सटेंसिवली ओवर कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन टू मोस्ट वेल अंडरस्टूड एंड सिग्निफिकेंट विंड ऑफ फॉर क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर द ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली विंड। जहां पर हम लोग ट्रेड विंड बोल रहे हैं इस विंड्स को, इन विंड्स को हम लोग ट्रेड विंड बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी वेस्टर्ली तो बियॉन्ड द ट्रेड ईस्टर्लीज, आपको पता ही है कि वेस्टर्लीज हो जाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये वेस्टर्ली विंड हो गई और यहां पर भी वेस्टर्ली विंड हो गई, इसको बड़ा करके भी यहां पर दिखा दिया गया है, जिसको कि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, तो फिर से वापस से रिपीट करने को कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट होती है हमारी जो प्लैनेटरी विंड्स होती है, इस प्लैनेटरी विंड में हम लोगों ने ऑल दो काफी डिस्कशन कर लिया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को लेकर के, बट यहां पर एक और स्पेशल विंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैली एंड माउंटेन ब्रीज। वैली और माउंटेन ब्रीज, यहां पर बेसिकली हमें इफेक्ट देखने को मिलता है किस चीज का, इफेक्ट ऑफ स्लोप। अब ये इफेक्ट ऑफ स्लोप क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सन यहां पर एकदम जो होता है हीट दे रहा है, इंसुलेशन दे रही है, इस इंसुलेशन के कारण से ये बेसिकली माउंटेन, और इस माउंटेन में गर्मी मतलब दिन के टाइम पे ये एरिया लगातार, ये एरिया लगातार इंसुलेशन फेस कर रहा है। इंसुलेशन फेस करने के कारण ऑब्वियसली ये इलाका ज्यादा गर्म हो गया है, गर्म होने के कारण से यहां पर अगेन विंड हल्की हो जाएगी, एयर हल्की हो जाएगी और वार्म एयर के रूप में ऊपर उठेगा, वार्म एयर के रूप में ऊपर उठेगा, और ऊपर में प्रेजेंट जो कूल एयर है वो नीचे की ओर में जाने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से यहां पर एक सर्कुलेशन पैटर्न जमा हो जाती है। इसके कारण से लाइट रेनफॉल भी देखने को मिल जाती है, अगर यहां पर थोड़ी मोड़ी मॉइस्चर कहीं से मिल जाती है तो। वही अगर रात के बारे में बात करें तो देखिए, इंसुलेशन जितना ज्यादा आया है उतना ही तेजी से निकलेगा भी रेडिएशन के फॉर्मेट में, और ये रेडिएशन बेसिकली देखने को मिलता है जिसके कारण से जो कूल विंड होती है वो नीचे की ओर में जाना शुरू हो जाती है। सिमिलरली यहां पर भी कूल विंड, और इस तरीके से वार्म विंड इसको
पोजीशन दे रहा होता है, और इस तरीके से रात काफी ज्यादा रात ठंडी हो जाती है और गर्म दिन में काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। इस तरीके की जो विंड होती है उसको हम लोग वैली और माउंटेन ब्रीज बोलते हैं, और ये बेसिकली स्लोप के कारण से बनती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इन द माउंटेनियस रीजन ड्यूरिंग द डे स्लोप गेट्स हीटेड अप एंड एयर मूव अप स्लोप एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप ऑफ देयर एयर फ्रॉम द वैली ब्लो अप द वैली। दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रीज। जो वैली से निकल रही है उसको हम लोग वैली ब्रीज बोलते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप गेट्स कूल एंड द डेंस एयर डिसेंड इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड एंड द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेटो एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड एज कैटाबैटिक विंड। तो ये कैटाबैटिक क्या होती है हम लोग आगे भी देखेंगे अभी जब हम लोग एडियाबेटिक विंड्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और ज्यादा अच्छे से देखेंगे। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड, अब नीचे के बारे में बात करेंगे। कैटाबैटिक विंड अकर ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो लीवर्ड साइड होती है जहां पर कह लीजिए कि रेनफॉल नहीं हो पाती है, तो लीवर्ड साइड में इसी तरीके से देखने को मिलता है। द मॉइस्चर ऑफ दीज विंड्स while crossing the mountain range condense and precipitate when it descend down the leeward side of the slope the dry air gets warmed up by the adiabatic process। और इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम लोग एडियाबेटिक विंड के बारे में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर और तेजी से और अच्छे से डिस्कस करेंगे कैटाबेटिक विंड क्या है। समझ में आ गया क्या चीज है? चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम देख ही लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड पैटर्न को देख लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। देख लेते हैं क्या चीज है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो विंड पैटर्न को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ये डिपेंड कर रहा होता है दो इंपॉर्टेंट चीजों पर, एक होती है प्रेशर और दूसरी होती है कोरियोलिस। अब देखिए इन दोनों को जब भी कोई भी फैक्टर अगर अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली विंड पैटर्न में भी चेंज देखने को मिलेगा। जैसे प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस यही है, इन टर्न आर कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सोलर रेडिएशन। तो जैसे ही इंसुलेशन सोलर रेडिएशन अलग अलग मिलेगी, प्रेशर डिफरेंस अलग अलग बनेगा, शिफ्टिंग होगी और उस शिफ्टिंग के हिसाब से विंड पैटर्न भी शिफ्ट कर जाएगा। तो विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन बेसिकली रिलेटिव मोशन के कारण से होता है। एंड दिस इज वेयर कोरियोलिस फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहां पर रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोटेशन इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। तो यहां पर भी हमें एक सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहां पर थोड़ा सा एडवेक्शन का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। कहां पर हम लोग इसको डिस्कस करके रखे हुए हैं? अपनी ओशियनोग्राफी वाले चैप्टर में, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ओशियन के टेम्परेचर को किस तरीके से विंड अफेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटिव मोशन में आते हैं और इस तरीके से फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। Thus the horizontal winds near the earth surface respond to the combined effect of three forces, what? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरी कोरियोलिस फोर्स आ जाती है। इन तीनों विंड के कारण से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में। ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है बेसिकली ये एक तरीके से जेट स्ट्रीम भी इसी को बोल सकते हैं, और ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन एडिशन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड एंड दिस अल्टीमेटली मेक अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। और इस तरीके से जो विंड होती है वो एक सर्कुलेटरी मोशन ले लेती है, एक अलग तरीके का सिस्टम ले लेती है। तो हम लोगों ने जो सिस्टम देखा है बेसिकली थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है। जियोस्ट्रॉफिक विंड डिस्कस करना है, जेट स्ट्रीम डिस्कस करनी है, और भी अलग अलग तरीके की चीजें डिस्कस करनी है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।